फहद अहमद एक प्रसिद्ध भारतीय छात्र नेता और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने कई संगठनों में कई पदों पर कार्य किया है। उन्होंने फरवरी 2023 में बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर से शादी की। फहद अहमद का जन्म 2 फरवरी 1992 को उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के एक शहर और तहसील बहरी में जरार अहमद के यहाँ हुआ था। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और एमफिल की उपाधि प्राप्त की। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई से सामाजिक कार्य में 2017-2018 से TISS छात्र संघ के महासचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अहमद ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछले वर्ग के छात्रों के लिए शुल्क माफी को रद्द करने के खिलाफ लगभग 1000 छात्रों के एक बड़े विरोध का नेतृत्व किया। इस मामले में उनका समर्थन प्रकाश अम्बेडकर ने किया था। अहमद ने भारत भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के खिलाफ रैलियों और विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग लिया और भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया ODI श्रृंखला के दौरान वानखेड़े विरोध में उपस्थित थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से CAA के विरोध की घोषणा की है और दिसंबर 2019 में उन्होंने अगस्त क्रांति मैदान में विरोध प्रदर्शन किया। फहद अहमद ने फरवरी 2023 में अपनी प्रेमिका और बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर से शादी की। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर फहद के साथ अपने रिश्ते की टाइमलाइन देते हुए एक वीडियो साझा किया। जुलाई 2022 में अबू आसिम आजमी और रईस शेख की उपस्थिति में समाजवादी पार्टी में शामिल होने से पहले फहद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस स्टूडेंट यूनियन के महासचिव थे। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद फहद को महाराष्ट्र और मुंबई की समाजवादी पार्टी युवजन सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने अहमद को PhD में पंजीकृत करने से इनकार कर दिया। कार्यक्रम उनके MPhil को स्वीकार करने से इनकार करने के बाद दीक्षांत समारोह के दौरान विश्वविद्यालय अध्यक्ष S. रामदुरई से उपाधि टाटा संस्थान ने प्रतिक्रिया में एक आधिकारिक के आदेश जारी करते हुए अहमद के कार्यों को संस्था का अपमान घोषित किया। और इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इनकी प्रॉपर्टी 10 मिलियन के आसपास है। इनके पास एक घर, कार और कई बाइक्स हैं।